बिहार विधानसभा निर्वाचन को लेकिन ताती होता बेल निर्वाचन प्रचार जमुई स्टार कैंपेनर मैंने आसिक प्रचार करपटे आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशाल जनसमावेश को संबोधित कर सासाराम विधानसभा निर्वाचन मंडली जो एनडीए प्रार्थी प्रचार करणवापित रही बीजेपी कर्मी नेत्री मैंने उपस्थित रहते तेज कौन रही प्रतिक्रिया सीधा सड़क ना मैडम आज प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे सभा को संबोधित किए उम्मीदवारों के लिए प्रचार किए कितना प्रभाव पड़ेगा आप लोग कितने उत्साहित थे इसको लेकर पूरा प्रभाव पड़ेगा मेरे देश के लिए जो भी काम किए हैं मोदी जी नीतीश जी जो सात निश्चय किए हैं वो सब सही है और सही हमको सही का ही साथ देना है जिस तरह से आज मोदी जी ने वादा किया है जिस तरह से एनडीए सरकार काम कर रही है केंद्र पे बिहार पे नीतीश सरकार और मोदी सरकार जो एनडीए की सरकार यहाँ पे काम कर रही है ये काम को लेकर जो अभी चुनाव जो लड़ा जा रहा है लोगों के पास जाकर पहुँच रहे हैं कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों पे बहुत पड़ेगा क्योंकि जो भी वादा करते हैं वो धरती पर दिखता है इसलिए हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि जो वादा करके जा रहे हैं वो पूरा करेंगे और जनता को भी विश्वास है तब तो इतना जनता आदमी जुटा हुआ है यहाँ पर जिस तरह से और भी एक बात ने कहा है कि 15 साल पहले जो बिहार में जो जंगल राज का जो बात कहा जा रहा था तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी अब कानून व्यवस्था में सुधार आया है कितना सुधार आया है आप क्या कैसे देख रही हैं जी बहुत नरेंद्र मोदी का जब से मतलब ये सब ऐलान हुआ है बहुत कुछ सुधार आया है जैसे हम महिलाओं के लिए ले लीजिए कि जिस तरह से क्वारंटाइन में हम लोग के हर महिला लोग के जो जीरो बैलेंस पे आया 500 रुपया ये हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा और जो ये उज्ज्वल योजना आया उसके तहत भी हम लोग को काफ़ी सुरक्षा मिला और पहले से हम लोग काफ़ी सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है जब से मोदी जी आए हैं और इनके नेतृत्व में जो कुछ भी हो रहा है काफ़ी अच्छा है इनके जैसा मंत्री मतलब आज तक नहीं हुआ था हम लोग के बारे में सोचने के लिए हम महिलाओं के बारे में जितना कुछ ये लोग हम लोग के बारे में सोच रहे हैं कर रहे हैं और न ही कभी ऐसा माननीय नरेंद्र मोदी जैसा तो नहीं कोई आ पाएगा न आया है न आएंगे तो इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है इनके नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं इनके सहयोग से चल रहे हैं हम लोग और हम लोग को पूरा मतलब चाहते हैं हम लोग पूरा सपोर्ट है हम महिलाओं का जितना भी हम लोग हैं हम लोग पूरे सपोर्ट में हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के चीज़ है जो स्कूल जा रही हैं यहाँ की जो बच्चियाँ हैं जो लड़की हैं स्कूल जा रही हैं उनके लिए साइकिल की व्यवस्था की गई है इसके साथ और भी महिला सुरक्षा के लिए और भी विभिन्न योजनाएं की गई है केंद्र सरकार की ओर से और क्या लगता है इस बार जो योजना सारे काम आएंगे इस बार बिहार के चुनाव में मोदी जी का जो वादा है सम्मान महिला को आत्मनिर्भर बनाना है इन्होंने ये वादा किया है भाजपा का वादा है मोदी जी का वादा है कि आत्मनिर्भर महिला को बनाना है सशक्त महिला को बनाना है और ये जो वादा कर करके गए हैं वो सफल होगा हम लोग का और मोदी जी जो सासाराम में यहाँ पर आए सुअरा हवाई अड्डा पे उनका सिर्फ एक शब्द भाइयों और बहनों उनके इस शब्द से हमारे सभी जनता इतने प्रभावित हैं कि ये सियोर है कि सासाराम हो या डेहरी विधानसभा क्षेत्र हो वो सारा वोट एनडीए में जाए और भी एक बात है कि यहाँ पे और भी एक बात कही विकास की बात कही जा रही है किसी घरों घर में अभी लोग उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर को घर घरों घर मतलब गैस पहुँच रही है लोग गैस चूल्हा का इस्तेमाल कर रहे हैं खास करके महिलाओं को ये बहुत सुविधा हो रही है जो पहले लकड़ी का चूल्हा जला रहे थे तो इसके अलावा अभी बहुत सारे ऊर्जा योजना की बात की गई है मछुआरों की बात की गई है किसानों की बात की गई है तो और क्या लगता है इस बार एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी हाँ ये तो ठीक है जो काम किए हैं वो अच्छे किए हैं जो बोल रहे हैं वो भी सही है आगे भी ऐसा करेंगे हम लोग का विश्वास है तरह से यहाँ पे जो लोग खास करके बिहार जो बासी रहते हैं जो बीजेपी महिला नेतृत्व कर्मी रहते हैं जो मैंने आसिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को ये शुणुले से उत्साहित होती जहाँ जहाँ सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब प्रतिश्रुति देखते केन्द्र सरकार विकास योजनार हिसाब देखते बिहारवासी को एनडीए को विपुल मात्रा जितने से नवेदन करते सासाराम कैमरा पर्सन टूना मंडल इमरान खान और वस्तु।